हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, उसका चैप्टर नंबर 2। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, वहाँ पे मैंने इसकी चैप्टर नंबर 1 की वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे चैप्टर नंबर क्या है 2। ठीक, उसमें क्या है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो मतलब आपको बुक्स में मिलेंगी नहीं, लेकिन उसको क्या है, आपके सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन उसको जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए सिलेबस से थोड़ा सा हम लोग हट के कुछ उसकी जो बुनियादी बातें हैं, जो बेसिक बातें हैं, वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो मेन टॉपिक है उस पर आएंगे। वरना तो अगर डायरेक्टली मेन टॉपिक शुरू कर दूँ तो आपको ज़रा भी पल्ले नहीं पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम लोग समझते हैं कि होता क्या है नर्वस सिस्टम। सबसे पहले क्या है नर्वस सिस्टम क्या होता है, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो हम लोगों का जो ब्रेन है, क्या है ब्रेन, तो और फिर स्पाइनल कॉर्ड और फिर पूरी बॉडी के अंदर नर्व्स का जो नेटवर्क फैला हुआ है उसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। इसके ज़रिए से क्या होता है, ब्लड जो हमारा ब्रेन है वो किसी तरीके से हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम, मैसेज भेजने का, फिर यहाँ से मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुँचने का जो पूरा नेटवर्क है वो क्या होता है नर्वस सिस्टम। आपने देखा होगा कभी गर्म चीज़ छूते हैं तो फौरन आपको एहसास होता है कि ये गर्म है, ठंडी चीज़ छूते हैं तो फौरन आपको लगता है कि हाँ ये ठंडी है। तो ये कहाँ से होता है, इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको करता है आपका और हमारा सबका नर्वस सिस्टम। ठीक, नर्वस सिस्टम बना हुआ है न्यूरॉन से मिलके। ठीक, और हमारा जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है और ये सब जो चीज़ें हैं इसमें क्या है न्यूरॉन है। तो अब हम लोग समझेंगे क्या होता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन दोनों को जब मिला के बोला जाता है तो उसको बोलते हैं क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, अब ये समझिए कि आपका ब्रेन हो गया, ठीक, ये आपका ब्रेन हो गया हेड के अंदर, फिर ये हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, ये सर में ब्रेन हो गया और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड हो गया। ठीक, तो ये जो है इतना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS उसको शॉर्ट में बोला जाता है। ये हो गया, अब हमारे मान लीजिए यहाँ पे आपका हार्ट है, हार्ट में वाला बना दे रहा हूँ ऐसे ही जल्दी में। ठीक, और मान लीजिए आपका यूरिनरी ब्लेडर है नीचे यहाँ पे कहीं, और क्या आपके बहुत सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं तो उनको कंट्रोल करना रहता है। मान लीजिए बहुत सारे ग्लैंड्स हैं तो उनको कंट्रोल करना रहता है हमारे ब्रेन को, या मान लीजिए आपका हाथ है तो ये यहाँ से फिर नर्व्स निकलते हैं और पहुँचते हैं यहाँ तक। मान लीजिए हमारी आँख है, ठीक, हमारा हार्ट हो गया, और क्या है फिर हमारा स्टोमक है, समझ लीजिए क्या, मान लीजिए ये स्टोमक हो गया, फिर उसके बाद आपका पैनक्रियाज हो गया, फिर आपका किडनी हो गए, ठीक है, मान लीजिए दो किडनी हो गई है। तो ये अब मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड है, तो यहाँ से और स्पाइनल कॉर्ड को तो हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लेकिन हमको मैसेज यहाँ तक पहुँचाना है, यहाँ तक आपके आई को पहुँचाना है, आपके स्टोमक को पहुँचाना है, आपके क्या कहते हैं जो पैनक्रियाज है उसको पहुँचाना है, ऐसे किडनी को आपके ऑर्डर पहुँचाना है, गॉल आपके जो ब्लेडर है यूरिनरी ब्लेडर वहाँ तक पहुँचाना है। तो वहाँ से यहाँ से नर्व्स निकलते हैं, क्या होते हैं यहाँ से नर्व्स निकलते हैं, या फिर डायरेक्टली ब्रेन से भी निकलते हैं। ठीक, ये नर्व्स निकलते हैं, कभी ऐसा होता है कि ये जो नर्व निकल रहे हैं वो पूरा एक ही नर्व डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच जाता है, और कभी ऐसा होता है कि एक यहाँ से पहुँचा फिर एक दूसरा और यहाँ से निकल के जाता है। समझ में आ रही बात, तो यहाँ से जो नर्व्स निकल के जा रहे हैं, इधर भी हो सकते हैं ये, ठीक है, तो इधर से जो नर्व्स निकल के जाते हैं उनको बोला जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, ये आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर यहाँ से जो नर्व्स निकल के आपके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक, अलग अलग पार्ट्स तक जाते हैं उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, PNS। ठीक, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो CNS है इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से मिलके क्या बनता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे मिलके बनता है, इट कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स ब्रांच्ड आउट फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये कह रहे हैं कि ये कंसिस्ट करता है, यानी ये मिलके बना है किससे, ये बना है उन नर्व से जो ब्रांच आउट होते हैं, यानी जो निकलते हैं किससे, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। तो स्पाइनल कॉर्ड ये हो गया और ब्रेन से जो नर्व निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं, PNS। दीज नर्व फ्रॉम
दीज नर्व्स फॉर्म द कम्युनिकेशन नेटवर्क बिटवीन द CNS एंड बॉडी पार्ट्स। और ये जो नेटवर्क्स हैं, ये जो नर्व्स हैं, ये क्या करते हैं, तो ये कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाते हैं। क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी इनको, ये बॉडी पार्ट्स को और ब्रेन को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक, CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और बॉडी पार्ट्स को जोड़ने का काम करते हैं। होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने समझ लिया कि PNS क्या होता है, यानी जो नर्व्स निकलते हैं वो क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब उसको भी, वो भी दो पार्ट में बटे हुए हैं, PNS भी दो पार्ट में बटा हुआ है। एक क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा क्या है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, आपने ये समझ लिया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। उसके बाद वो भी दो पार्ट में बटा हुआ है, एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो क्या होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, देख लेते हैं। इट इज़ ए पार्ट ऑफ PNS। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है, PNS का यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, एंड एसोसिएट विद दी वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ बॉडी मूवमेंट वाया स्केलेटल मसल्स सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स फाउंड इन इट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये क्या कहते हैं, ये एक पार्ट है किसका, PNS का, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब ये क्या करता है, तो जो न्यूरॉन होते हैं वही होते हैं, समझ लीजिए, जो न्यूरॉन है, जो आपने देखा स्पाइनल कोर्ड से निकल के जो न्यूरॉन से जा रहे हैं, उन्हीं में से किसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोमैटिक होता है उन्हीं में से कोई, और उन्हीं में से कोई क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्व होता है। ठीक है, उन्हीं से कोई होता है सोमैटिक नर्व और उन्हीं में से कोई होता है ऑटोनॉमिक नर्व। ठीक, तो अब जो सोमैटिक नर्व्स होता है उसका काम क्या होता है, वो क्या करता है, वॉलंटरी कंट्रोल करता है वॉलंटरी मोमेंट, यानी जैसे कि वॉलंटरी मोमेंट क्या होता है कि जैसे मैं ये हाथ हिला रहा हूँ तो मैं अपनी मर्जी से हिला रहा हूँ, मैं इसको चाहूँ तो रोक लूँ, चाहूँ तो हिलाता रहूँ, ऐसे, समझ में आ रही बात। तो ये क्या वॉलंटरी मोमेंट है, यानी चाहूँ तो मैंने रोक लिया, फिर अगर मैं चाह रहा हूँ तो हिला रहा हूँ, तो ये क्या वॉलंटरी मोमेंट है। तो इसको कंट्रोल कौन करता है, वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम करता है। और इसमें कौन सा मसल्स काम करते, किसके ज़रिए करता है, तो स्केलेटल मसल्स के थ्रू ये काम करता है। और इसमें जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं उसको बोलते हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन, दोनों पाए जाते हैं। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन में क्या फ़र्क होता है, तो सेंसरी के मतलब ये होता है कि हमने कोई चीज़ छुआ, जैसे कि गर्म चीज़ छुई, तो यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन फ़ौरन हमारे स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक पहुँचता है। तो ये जो लेके जाता है यहाँ से मान लीजिए हाथ को मैंने यहाँ पे कोई कांटा चुभाया, तो यहाँ से एक दर्द का एहसास फ़ौरन पहुँचता है हमारे ब्रेन तक। तो ये जो नर्व्स लेके जाते हैं इसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और फिर ब्रेन वहाँ से कहता है कि हटाओ एकदम से हाथ को, ब्रेन क्या कहता है, हटाओ। तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन लेके आता है इस हाथ तक के, हाथ को हटाओ, तो वो क्या होते हैं, मोटर न्यूरॉन। ठीक है, जो सेंस को लेके जाए ब्रेन तक वो होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, और फिर ब्रेन से जो लेके आते हैं कहते हैं कि हटाओ हाथ को, तो वो होते हैं क्या, मोटर न्यूरॉन। ठीक, जो कि इसके इसमें सोमैटिक नर्व सिस्टम में पाए जाते हैं। अब क्या होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो ये भी क्या है, PNS का एक पार्ट है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये PNS है, इसी का पार्ट क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। ये भी क्या है, एक नर्व्स है जो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से निकलने वाला है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, एंड एसोसिएटेड विद इनवॉलेंट्री फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। और ये क्या करता है, ये करता था वॉलेंट्री प्रोसेस करवाता था, मोमेंट करवाता था। और ये कौन, किसको कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। इनवॉलेंट्री फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करता है। तो वो इनवॉलेंट्री फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या होते हैं, तो जैसे कि ये कि जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, हम ये चाहें कि उसको करें या चाहें तो रोक लें, नहीं, वो हो रहा है तो होता रहेगा, हम उसको रोक नहीं सकते हैं, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे हार्ट रेट, अब ये कि आप चाहें कि आपका दिल धड़के ना, तो आप चाहें कि रोक लें तो रुक नहीं सकता है, आप रोक नहीं सकते कि मेरा दिल ना धड़के रुक जाए, नहीं, वो धड़कता रहेगा, आप चाहे रोकना चाहें चाहे ना रोकना चाहें। ऐसे ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है कि चाहे कि मतलब मेरा खाना हजम ना हो, पेट में पड़ा रहे 24 घंटे तक, तो ऐसा नहीं होगा, वहाँ का जो सिस्टम है वो खुद ब खुद क्या है, काम करता रहता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग इनवॉलेंट्री फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो वो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारा कंट्रोल में नहीं होता, वो ऑटोमेटिक होता है, इसी के इसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक, अभी इतना आपने समझ लिया। अभी एक बात समझिए, न्यूरॉन या नर्व समझ लीजिए, तो ये ऐसे मैं जल्दी बना रहा हूँ, ठीक है, ये आप समझ लीजिए एक न्यूरॉन हो गया, एक न्यूरॉन या एक नर्व। तो इसके ये जो होते हैं डेंड्राइट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, डेंड्राइट्स।
और फिर ये इसका एक्सोन जो बॉडी होता है एक्सोन बोलते हैं इसको, ठीक है, ये लंबा सा जो है। फिर ये इसका क्या है, ये लास्ट में होता है, इसको एंड भी बोलते हैं, टर्मिनल मतलब बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो ये इतना याद रखिए। तो अब ये जैसे कि मान लीजिए जो अब न्यूरॉन है, तो ऐसा नहीं कि एक ही न्यूरॉन ब्रेन से निकला और आपके हाथ तक यहाँ पहुँच गया, हो सकता है कि बहुत सारे न्यूरॉन होते भी हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो अब क्या होता है, एक यहाँ पे है, फिर इसके बाद एक जुड़ा रहता है यहाँ पे, एक और ऐसे है मान लीजिए, फिर ये इधर। तो इस तरीके से बहुत सारे न्यूरॉन क्या है रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, न्यूरॉन का एक जाल बिछा रहता है, मान लीजिए यहाँ ब्रेन से निकले और आपके पैरों तक पहुँचना है, तो ये बहुत सारे न्यूरॉन क्या है इस तरीके से लगे रहते हैं लाइन से। तो अब मान लीजिए यहाँ पे आपका ब्रेन है या स्पाइनल कोड है, यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया इसको, तो क्या होता है कि पहले यहाँ ये डेंड्राइट से इसके अंदर आता है, कोई भी वो क्या होगा, तो ये डेंड्राइट से इसके अंदर आता है, ठीक है। फिर जब इसके अंदर कोई, जब आपको लगता है कि कोई मतलब इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो उसके बाद से क्या होता है, इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक प्रोसेस है एक्शन पोटेंशियल, वो जनरेट होता है। उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस बनते हैं, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बनते हैं। एक्शन पोटेंशियल में मैं हल्का सा बता दे रहा हूँ क्या हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो सोडियम चैनल्स होते हैं, सोडियम Na, वो अंदर घुसते हैं बॉडी के इसके अंदर, ठीक है, ये जो न्यूरॉन है इसके अंदर घुसते हैं। और फिर क्या होता है, जो पोटाशियम होता है वो भी क्या है इसके अंदर रहता है, तो वो निकल जाता है बहुत सारा, ठीक। और इसके अंदर जो क्लोरीन वगैरह होता है वो अंदर कुछ भी नहीं होते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर क्या होता है, एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स समझ लीजिए पैदा हो जाता है, ये हल्का हल्का आप समझिए, ठीक। उसके बाद फिर ये यहाँ तक आता है वो इम्पल्स निकल के, यानी जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स बना, एक मैसेज बना जो ब्रेन ने भेजा है, तो इसी के थ्रू आ रहा है, तो यहाँ तक आता है, फिर यहाँ पे गैप रहता है, ये मिले नहीं रहते हैं। ये क्या है, ठीक है, तो ये जो है ये बीच में यहाँ पे क्या रहता है, गैप रहता है, गैप। तो फिर क्या होता है, जब ये यहाँ तक आता है तो फिर यहाँ पे कुछ केमिकल्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। क्या होते हैं, केमिकल रिलीज़ होते हैं, वो एसिटाइल कोलिन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब वो रिलीज़ होगा तो फिर ये जो इससे जाके बाइंड करता है, जब यहाँ पे जाके बाइंड करता है, तो फिर ये जो इधर आपका चल रहा था एक क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक मैसेज एक जो पैदा हो रहा था, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो रहा था, जब ये केमिकल निकल के यहाँ पे जाके जब इससे बाइंड करता है, यहाँ पे जाके जब इससे बाइंड करता है, तो फिर यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने लग जाता है, यानी वो मैसेज जो यहाँ पे था इधर, वो इधर इसमें अंदर आ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक आता है। तो अब इसको जो ये वाला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीसाइनेप, क्या बोलते हैं, प्रीसाइनेप, साइनेप्ट। और ये जो बीच में जगह होती है इसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। और इसके बाद वाला जो न्यूरॉन होता है उसको बोलते हैं पोस्ट साइनेप या पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलेंगे प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और इसको बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। यानी ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट से पहले और साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद। तो अब ये क्या होता है, ये बीच में जो गैप होता है इसको पूरा करने के लिए, अब यहाँ तक मैसेज आ गया, अब इधर कैसे जाए, तो बीच में यहाँ पे रिलीज़ होता है कुछ न्यूरोट्रांसमीटर। क्या रिलीज़ होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, जो यहाँ के इसके अंदर जाके बाइंड करते हैं, फिर उसके बाद जो एक्शन पोटेंशियल के थ्रू जो यहाँ पे इम्पल्सेज आए थे, जो मैसेज आया था, वो फौरन क्या होता है इसमें चला जाता है, फिर यहाँ से ट्रांसफ़र होकर यहाँ जाता है, फिर ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। ये प्रोसेस क्या होता है, चलता रहता है, यानी यहाँ से इम्पल्स रिलीज़ हुआ, ठीक, इसके अंदर आया, अब इसके अंदर जब आता है तो फिर यहाँ से आता है यहाँ तक, वो मतलब मैसेज समझ लीजिए, एक मैसेज जो भेजा है ब्रेन ने, तो वो यहाँ पे अब बीच में खाली जगह रहती है, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो इसको पार करके वो मैसेज इधर नहीं जा सकता है, तो फिर क्या होता है, यहाँ पे केमिकल रिलीज़ होता है, वो केमिकल जाके इस वाले को बता देता है कि ये वाला मैसेज आया है, ठीक है, ये समझिए, ये वाला मैसेज आया है। फिर यहाँ से वो क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और इम्पल्सेस के थ्रू फिर वो यहाँ पे क्या होता है, वो मैसेज यहाँ पे आ जाता है, फिर यहाँ पे भी वही प्रोसेस होता है, यहाँ से केमिकल रिलीज होता है और फिर इधर चला जाता है। तो ये जो केमिकल इसके अंदर पाया जाता है, उस केमिकल को हम लोग बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। तो ये है न्यूरोट्रांसमीटर, आप अब समझिए क्या होता है न्यूरोट्रांसमीटर। तो दीज आर स्पेसिफिक केमिकल्स अलाउइंग कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व सेल एंड
इफेक्टिव सेल और ऑर्गन। क्या होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर? तो ये कह रहे हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर ये क्या होता है, कुछ खास टाइप के केमिकल्स होते हैं जो कम्युनिकेशन करवाते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन यानी बातचीत करवाते हैं, यानी एक से मैसेज दूसरे तक पहुंचाते हैं बिटवीन नर्व सेल एंड इफेक्टर सेल। ये कह रहे हैं नर्व सेल से और जिस सेल के पास बात पहुंचाई जा रही है उसके। तो अब ये जिसके पास पहुंचाई जा रही है, मान लीजिए ये एक नर्व सेल हो गया आपका, ठीक। एक दूसरा यहाँ पे हो सकता है कि डायरेक्ट वो सेल जिसके पास बात पहुँचाई जा रही है, मान लीजिए हार्ट है, तो ये हो सकता है कि डायरेक्ट यहाँ पे आ जाए, समझ में आ रही बात। या ये हो सकता है कि यहाँ पे कोई दूसरा न्यूरॉन हो। तो इन दोनों के बीच में जो ये गैप है, इसको पूरा करने के लिए, इस गैप को पूरा करने के लिए जो केमिकल यूज़ होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक। अब ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है, अभी मैंने जो पूरा प्रोसेस बताया आपको कि जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन में क्या है जो मैसेज आया है, तो वो क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन। तो अब इसमें कितने स्टेप में ये काम होता है, मतलब ये कि मान लीजिए ब्रेन ने कोई मैसेज भेजा, फिर वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे न्यूरॉन, फिर अपने साइड तक यानी ऑर्गन तक पहुंच गया। सपोज दैट यहां से ब्रेन ने ये मैसेज भेजा कि हार्ट के पास ले जाओ कि वो थोड़ा तेज़ क्या है धड़कना शुरू करे और ज़्यादा ज़्यादा ब्लड क्या करे, पंप करे। तो अब इसको मैसेज भेजा, वो हार्ट तक पहुँचा, तो इसमें कह रहे कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल एंड एक्सोनल कंडक्शन। तो क्या होता है सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, इनिशिएशन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल। कि क्या कह रहे हैं कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, जनरेट होता है, शुरू होता है, और एक्सोनल कंडक्शन शुरू होता है, ठीक है। अब बताता हूँ क्या है ये। तो सबसे पहले मान लीजिए ये मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, ठीक है। ये एक न्यूरॉन हो गया आपका, फिर यहाँ से ये दूसरा, फिर यहाँ से तीसरा न्यूरॉन हो गया, ठीक। एक शक्ल ये हो सकती है, दूसरा ये हो सकता है कि ये आपका एक न्यूरॉन है और डायरेक्ट ये आपके क्या हार्ट तक पहुँच गया है, ये ऑर्गन मान लीजिए ये आपका हार्ट है, ठीक। तो डायरेक्ट आपके हार्ट तक पहुंच गया। तो एक सिस्टम ये होता है कि मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाए, फिर दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन में जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक न्यूरॉन से दूसरे में जब जाता है तो उसको बोलते हैं न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन, और अगर सिर्फ एक न्यूरॉन से डायरेक्ट यहाँ तक पहुँचता है तो उसको बोलते हैं एक्सोनल कंडक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सोनल कंडक्शन, यानी दूसरा न्यूरॉन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है उसमें, डायरेक्ट एक ही न्यूरॉन अपने टारगेट तक पहुँच जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोनल कंडक्शन। और अगर एक न्यूरॉन से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जाता है तो उसको बोलते हैं न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन, ठीक। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो एक्शन पोटेंशियल मैंने बताया कि जब सोडियम चैनल्स अंदर जाते हैं और पोटेशियम वहाँ से उसके अंदर रहते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो पोटेशियम निकलना शुरू कर देते हैं। तो जब इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है उसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो जब डीपोलराइजेशन होता है तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या होता है, जनरेट हो जाता है, फिर वो आगे आ जाता है यहाँ तक, ठीक। अब यहाँ तक आया तो अब ये खाली जगह, इसको ये क्रॉस करके नहीं जा पाता है और ये बाहर नहीं आता, बल्कि ये जो इसका सेल मेम्ब्रेन है इसी में ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स हैं ये बनते और इसके थ्रू आते हैं, यानी कि बाहर से निकल के आते हों, इसी के अंदर अंदर आते हैं। अब यहां पे कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं जो रिलीज होते हैं और इधर जाते हैं, ठीक है। इस वाले में जाकर रिलीज होकर इसके अंदर घुस जाते हैं, यहां पे रिसेप्टर्स हैं, उसके साथ जाकर बाइंड कर लेते हैं। जब उसके साथ बाइंड करते हैं तो फिर वही एक्शन पोटेंशियल यहां पे भी क्या होता है, शुरू हो जाता है, यानी जो इलेक्ट्रिक इंपल्स यहां तक मैसेज आया था वो इसके अंदर आ जाता है, समझिए, समझ में आ रहा है। जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स आते हैं वहाँ ये केमिकल्स के अंदर चले जाते हैं और ये केमिकल जैसे इसके अंदर जाके बाइंड करते हैं फौरन यहाँ पे वो एक्शन पोटेंशियल शुरू हो जाता है, यानी वो मैसेज इसके अंदर आ जाता है, फिर वो लेके यहाँ तक ये यहाँ तक आ जाता है, फिर ये केमिकल यहाँ से रिलीज़ होता है, उसके अंदर आ जाता है, फिर यहाँ से निकल के यहाँ पे इस पर बाइंड करता है, फिर यहाँ से ये निकल के जाता है। तो ये होता है क्या, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है सबसे पहले प्रोसेस के अंदर, या तो एक्सोनल कंडक्शन होता है, यानी यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और डायरेक्ट क्या है अपने टारगेट तक पहुँच गया, तो उसको बोलते हैं एक्सोनल कंडक्शन, ठीक। अब दूसरे में क्या होता है, अराइवल ऑफ एन
एक्शन पोटेंशियल एट नर्व टर्मिनल। तो कह रहे हैं कि पहले सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ यहाँ पे, फिर वो आता है नर्व टर्मिनल तक, यानी यहाँ पे ये नर्व का आखिरी है हिस्सा है, इसको बोलते हैं नर्व टर्मिनल। तो यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। तो जब यहाँ तक आता है तो क्या होता है, रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ ट्रांसमीटर। जब यहाँ तक ये आता है तो मैंने बताया कि यहाँ से क्या होता है, फिर जो यहाँ पे ट्रांसमीटर है यानी जो केमिकल है वो क्या होता है, रिलीज होता है। तो जब अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल एट नर्व टर्मिनल, एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जब आया नर्व टर्मिनल पे, तो फिर क्या होता है, रिजल्टिंग मतलब उसके बाद क्या उसका रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट में क्या होता है, यहाँ पे न्यूरॉन जो ट्रांसमीटर इसके अंदर है वो रिलीज होता है, ठीक है। अब तीसरे उसमें क्या होता है, तो इवेंट्स एट दी साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट इंजेक्शनल साइट। अब क्या होता है, जब यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे ये केमिकल रिलीज़ भी हो गया दूसरे स्टेप में। तो तीसरे स्टेप में क्या होता है, यहाँ से ये रिलीज़ होके इस वाले के अंदर जाके बाइंड करता है। वहाँ पे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, वो केमिकल उनके साथ जाके जब बाइंड करते हैं, तो जो बाइंड करने के बाद फिर उसके अंदर क्या होता है, जब इसके अंदर ये बाइंड करते हैं तो फिर इसके अंदर भी वही एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, जनरेट होना शुरू हो जाता है। फिर यहाँ से मैसेज, केमिकल जो यहाँ पे मैसेज है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में फिर यहाँ पे पहुँच जाता है, फिर यहाँ पे भी क्या होता है, वो केमिकल रिलीज होते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ता है, तो ये तीन स्टेप हो गए। चौथे स्टेप में क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ रिलीज ट्रांसमीटर। अब ये जो ट्रांसमीटर रिलीज हुआ ये पहुँच जाता है कि अपने टारगेट तक, मान लीजिए हार्ट तक पहुँच गया, तो फिर जाके वहाँ अपना एक्शन दिखा देता है। उसके बाद वहाँ पे एंजाइम होते हैं जो उस केमिकल के इफेक्ट को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। तो उसी को बोलते हैं चौथे टर्म में, चौथे स्टेप में क्या होता है, टर्मिनेशन यानी उसका जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है, ठीक। तो ये कुछ हो गए बेसिक बातें। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे कोलिनर्जिक ड्रग, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। असल जो टॉपिक है आपको आपके उसमें ये पढ़ना है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन, ये आपके मतलब सिलेबस में दिया पढ़ने के लिए, लेकिन इसको पढ़ने के लिए उतना मुझे समझाना पड़ा। अब अगला जो आपको पढ़ना है कोलिनर्जिक ड्रग, तो कोलिनर्जिक ड्रग भी क्या करती है, इसी पे काम करती है। वो यहाँ से रहती है, यहाँ पे रिलीज़ होगी, फिर इधर जाएगी, फिर यहाँ से रिलीज़ होगी, उधर जाती है, अपने टारगेट तक पहुँचती है। तो अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में, क्या होती है कोलिनर्जिक ड्रग, क्या होती है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, ये सारी चीज़ें हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। आप भी घबरा गए होंगे, इतना सारा पढ़ के थक गए होंगे। तो चलिए अब ख़त्म करते हैं। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।